जांजगीर चांपा जिले के सूर्यनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम कमरेद में फिर एक बार कच्ची महुआ शराब को लेकर अबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही देखने को मिली है, जहां अबकारी विभाग ने 100 लीटर महुआ शराब सहित 10,000 किलोग्राम महुआ पास को नष्ट किया है। जांजगीर चांपा जिले के सूर्यनारायण थाना क्षेत्र में ग्राम कमरेद में फिर एक बार कच्ची महुआ शराब को लेकर अबकारी विभाग के काबिल इंस्पेक्टर दिलीप प्रजापति की टीम एसआई गौरव दुबे और रानू मरकाम के साथ पूरे स्टाफ के साथ कमरेद गांव के सबरिया डेरा के बांधा तालाब में छापा मार कार्रवाई की गई है, जहां मौके पर 100 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुआ है। वह 10,000 किलोग्राम पास को तालाब में ही नष्ट कर दिया गया और कच्ची महुआ शराब बनाने की सामग्री को जब्त कर लिया गया है। कार्यवाही के दौरान सभी आरोपी पुलिस को देख कर मौके से फरार हो गए हैं। संपूर्ण कार्यवाही में सब इंस्पेक्टर डी के प्रजापति, रानू मरकाम, गौरव दुबे व समस्त आबकारी टीम का संपूर्ण योगदान रहा। श्री यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में और उनसे दिशा निर्देश लेके और हमारे एक्साइज के एसी सर मिस्टर विजय सेन शर्मा, इनके निर्देशन में आज हमने कमरित के बांधा तालाब में कार्रवाई किया है। और इस मेरे साथ एक्साइज सब इंस्पेक्टर जो है रानू मरकाम है, एक्साइज सर्कल चांपा जांजगीर से, और एक्साइज सब इंस्पेक्टर गौरव दुबे एक्साइज सर्कल सिवनान से, और मैं डी के प्रजापति एक्साइज सर्कल चांपा से। हम तीनों की जॉइंट कार्रवाई थी, जिसमें हमारे सारे स्टाफ तीनों सर्कल से आए हुए हैं, और इन सब के कहना चाहिए संयुक्त प्रयास से, सभी के मेहनत से हमने यहाँ पे काफ़ी नष्टीकरण किया है। जैसा आप जान रहे हैं, हमेशा मैं यहाँ नष्टीकरण कराता रहता हूँ, तो आज लगभग 120 लीटर के करीब हमने आईडी नष्ट किया है, जब्त किया है, और 10,000 केजी के करीब महुआ लान नष्ट किया है। एक्चुअली ये क्या है, ये एरिया ऐसा है जहाँ पे इसे डेरा कहते हैं, सबरिया डेरा, इनका एक्चुअली पैतृक व्यवसाय कहना चाहिए, इनकी पुरकौती चलती है कि ये व्यवसाय ऐसा करते रहते हैं और एक आजीविका बना के रखे हुए हैं, और इन्होंने अपना काम करने का तरीका बदल दिया है। ये तालाब के किनारे या जंगल के अंदर, अभी हम लोग काफ़ी अंदर तक गए थे तीनों इंस्पेक्टर, तो उन इलाकों जगहों में करते हैं ताकि हम रेड भी मारें, किसी को चिन्हांकित ना कर सके, क्योंकि अगर किसी घर पे आइडेंटिफाई होता तो हम जरूर उसको अरेस्ट करते, लेकिन जंगल में तालाब में है तो उसे नष्टीकरण ही किया जाता है। आज तो नहीं हुआ है, हमारी टीम जैसे पहुंचे काफी लोग बना रहे थे, वो लोग मौके से फरार हो गए। जांजगीर से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, ACN 24।